वाले दिन जो अमावस्या पड़ती है उसका बहुत विशेष महत्व माना जाता है। तो ये जो कुपवा ग्रामवासी हैं बहुत बहुत धन्य हैं कि उनको ये अवसर प्राप्त हुआ और ये शुरुआत जो हुई है 108 अमावस्या की, ये आज पहली अमावस्या। सती के पाठ हुई, पूजन अर्चन हुई, 108 अमावस्या के बाद इस शक्ति पीठ के रूप मंदिर ले ली। सुनी का कहते पंडित बनारस से, ये जो कुपवा ग्राम में माँ भगवती काली जी का दिव्य स्वरूप आप जो देख रहे हैं, आज प्रथम अमावस्या है जिसमें हम लोगों ने दुर्गा सप्तशती पाठ के साथ षोडशोपचार पूजन किया, माई को 56 भोग लगाया है। अमावस्या तिथि में एक खासकर 108 अमावस्या तिथि में जहाँ भी जिस भी काली पीठ के पास रात्रि में साधना होती है, ऐसा माना जाता है कि वहाँ माँ भगवती साक्षात विराजमान हो जाती है। और उस क्रम में आज ही पहली अमावस्या थी और खासकर इस शनिचरी अमावस्या थी, मतलब शनिवार वाले दिन जो अमावस्या पड़ती है उसका बहुत विशेष महत्व माना जाता है। तो ये जो कुपवा ग्रामवासी हैं बहुत बहुत धन्य हैं कि उनको ये अवसर प्राप्त हुआ और ये शुरुआत जो हुई है 108 अमावस्या की, ये आज पहली अमावस्या है। ऐसे ही निरंतर 107 अमावस्या तक प्रति अमावस्या इसी तरीके से माँ भगवती की आराधना इस कुपवा ग्राम में प्रति अमावस्या को चलती रहेगी, जिसमें दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, माँ का अर्चन होगा, माँ का अंग पूजन होगा, माँ की दिव्य आरती महाआरती होगी। और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि माँ का श्रृंगार, हर अमावस्या को उनका पूरा श्रृंगार बदला जाएगा और उन्हें विविध प्रकार के नैवेद्य लगा के जन कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए, ग्राम कल्याण के लिए ही आराधना की जाएगी। आप सभी क्षेत्रवासी इसमें शामिल होंगे, अपने आप को कृतार्थ बनाए। धन्यवाद।